सो हेलो एवरीवन, द एडिटर बॉय हियर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले सर न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त स्टेटस। एंड इसके अंदर आपको लेस्ट में जबरदस्त ग्लो इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। और कैसे आपको बता दूँगा, ट्रेंड लिखी जो हमने कल अपनी एक नई वीडियो डाला था एंड उसमें सर आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। भाई मैंने सोचा भी नहीं था भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इस वाली वीडियो पे। तो सर जिन्होंने भी अभी उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको थोड़ा सा डेमो में आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको उसका फुल ट्यूटोरियल देखना तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर विजिट कर लेना। ठीक है, चलिए यार प्ले करते हैं। ओके, सो गाइस अगर आप भी कुछ इस टाइप के सर वीडियो स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस आपको इसका फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, जाकर के चेक कर लेना। ओके, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने मेन प्रीव्यू की तरफ। एंड गाइस उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर गाइस आप चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस सर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए गाइस सर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में लोग क्रिएट करने वाले कुछ इसी टाइप का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त स्टेटस। एंड गाइस यहाँ पर मैंने सॉन्ग को इसलिए म्यूट कर दिया है बिकॉज गाइस यहाँ पर कॉपीराइट इशू है एंड इस सॉन्ग में गाइस कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर गाइस आप इस स्टेटस को गाइस सॉन्ग के साथ सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो भाई आप टेलीग्राम पर गाइस आप इसे देख सकते हो या फिर गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया तो भाई मैंने ऑलरेडी रील्स को डाल दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस आपको सबसे पहले ओपन करना अलाइट मोशन एप्लीकेशन। एंड गाइस जो आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया गया जो बीट मार्क प्रीसेट उसे आपको सिंपली से ओपन कर लेना। ठीक है, तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में लाइस का गाइस आपके यहाँ पर सिंपली से ग्रुप देखने को मिलेगा। एंड आगे गाइस आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी सारे गाइस आपको बीट मार्क देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब गाइस आपको सिंपली करने के जो ग्रुप है गाइस आपको इसी में गाइस अपना लाइस को लिखना है। आपको सिंपली करना गाइस यहाँ पर जो होगा गाइस मैंने आपको लिस्ट का ग्रुप दिया है, आपको सिंपली उस पर कर देना है टैप। ठीक है, तो गाइस आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको इसे करने के सेंटर में आना है एंड पहले गाइस मैंने प्ले करके देख लिया तो गाइस इसका जो ड्यूरेशन गाइस थोड़ा सा ज़्यादा तो इसमें यहाँ पर कम कर लेता हूँ। ठीक है, कम ज़्यादा गाइस आप ऐसे मैनुअली कर सकते हो स्पीड पर जा करके। अब गाइस आपको सिंपली करना गाइस सर यहाँ से बैक आना है एंड गाइस अब आपको यहाँ पर लिखना है लिरिक्स। ठीक है, तो गाइस लिरिक्स लिखने के हम क्या करेंगे, इस पर हम टैप करेंगे एंड एडिट ग्रुप के ऑप्शन पर टैप करेंगे। और गाइस आपके यहाँ पर दो लिरिक्स देखने को मिला जिसमें टेक्स्ट लिखा है, तो आपको एडिट के ऑप्शन पर जाना है एंड इसे गाइस कर देना है रिमूव। ठीक है, मतलब कि कट कर देना है एंड जो भी आपका सॉन्ग का लिरिक्स है वो गाइस आपके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर पानी पानी संग गाइस यहाँ पर स्टेटस क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें उसी का जो लिरिक्स गाइस वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। एंड फॉन्ट गाइस जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ उसे गाइस आप डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। अब यहाँ गाइस आपको कलर चेंज नहीं करना, कलर जो भी गाइस आपको रहने देना। ठीक है, बाकी कोई चीज़ छेड़ना नहीं है, आपको सिंपली करना है टेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर से आना जो सेकंड लिस्ट का है एंड इसे भी आपको कट करना है और गाइस यहाँ पे आपको सेम वही लिस्ट को लिख देना है। ठीक है, तो गाइस आपका यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिस्ट को लिख लेंगे एंड लिस्ट लिखने के बाद आपको सिंपली करना जो फॉन्ट गाइस वो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ उस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसका भी लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। अब आपको सिंपली करना इसका ड्यूरेशन गाइस थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना, आई मीन यहाँ पर जो आपका जो साइज़ है वो आपको बढ़ा लेना है और गाइस सिंपली आना है बैक। अब गाइस आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको सिंपली से करना है सर यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट लिखने के लिए गाइस आपको इसी ग्रुप को कॉपी करना है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर गाइस हम कर देते हैं पहले टैप। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ पहले। तो गाइस सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैप करूँगा, ऊपर कॉपी है तो सिंपली कॉपी क्लियर कर लेता हूँ। एंड गाइस मैं आता हूँ, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गया मैं, यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर आने के बाद सिंपली मैं पेस्ट क्लियर कर देता हूँ। अब गाइस हम क्या करेंगे, इस पर गाइस जाते हैं एंड इसे एडिट करेंगे। तो पहले हम प्ले करते हैं एंड सुनते हैं भाई क्या लिस्ट है यहाँ पर, तो उस लिस्ट के हिसाब से सिंपली एडिट ग्रुप पर जाएंगे और गाइस उसी हिसाब से गाइस यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब गाइस हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं सिंपली जो हमारा सेकंड लिस्ट है इस पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंड मैं करूँगा डन एंड गाइस हमने जो सेकंड लिस्ट गई वो सेवा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा इसे गाइस मैं कर लेता हूँ कॉपी, ताकि इसमें मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब गाइस मैं आता हूँ इस पर एंड इस पर जाऊँगा टेक्स्ट पर और इसे सिंपली इसमें पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पहले से हटा देता हूँ, तो सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया। अब गाइस जैसे हमारा पर पेस्ट हो जाएगा तो अब गाइस फॉन्ट तो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है, बट यहाँ पर गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारा जो मतलब बैकग्राउंड में जो फॉन्ट है वो बड़ा है, मतलब जो टेक्स्ट है बट ये वाला छोटा है, तो इसे हम साइज बढ़ा लेते हैं। तो हम इस पर टैप करेंगे, जूम इन पर जाएंगे और इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस आप कुछ इस तरीके से जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ऑसम लग रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर परफेक्टली सेट कर लेना। ठीक है,
तो इतना होने के बाद गाइस आपको सेम यही करना है, मतलब जितने भी गाइस आपको लेटेस्ट करना है फटाफट से आपके यहाँ पर कॉपी करना है एंड एडिट करना है ग्रुप को, ठीक है। तो सिंपल गाइस सर, बहुत ही सिंपल है, आप गाइस इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो इस वजह से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको बताया था इस पर टैप करना है, स्पीड ऑप्शन पर जाना एंड आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। हो गया इसमें कम ज़्यादा गाइस, आपको इसे कट नहीं करना, ओनली कम ज़्यादा गाइस आप इसे स्पीड के हिसाब से कर सकते हो, बट अगर आप कट कर देंगे इसमें इफेक्ट वो सही नहीं लग पाएगा। अब गाइस आपको सिंपली करना है इसे एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, बिकॉज इसमें हमें आप एक लाइट इफेक्ट देने वाले हैं और फोटो के साथ हम लाइट इफेक्ट देंगे तो गाइस फोटो में भी इफेक्ट आ जाएगा, इसलिए गाइस आपको सिंपली से अलग से एक्सपोर्ट करना। तो गाइस सिंपली इसमें यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं सिंपली इसे एक्सपोर्ट नहीं करूँगा बिकॉज इसे ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है, आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब गाइस मैं यहाँ पर सिंपली बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद इसे यहाँ पर नोट वीडियो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, न्यू का ऑप्शन है जिस पर मैं टैप करूँगा, और टाइप करने के बाद गाइस आपको सिंपली करनी है आप जो फ्रेम वगैरह वो गाइस आपको सिंपली रेशियो वगैरह वो आपको सेलेक्ट करना। तो मैं कस्टम पे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ गाइस आपको सिंपली 1080 लिख लेना, ठीक है। तो 1080 लिखने के बाद डन करना है एंड सेकंड गाइस आपको 2340 लिख लेना है, ठीक है। तो हो गया, उसके बाद आपको सिंपली मीडिया पर जाना है एंड वीडियो पर जाना है और गाइस आपने जो लाइट मोशन जो गाइस आपने एक्सपोर्ट किया जो लेस गाइस आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा गाइस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना एंड गाइस देख लेना भाई आपको जो टेक्स्ट है वो कहाँ से शो हो रहा है, ठीक है। तो गाइस उस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको चेक करा लेता हूँ एंड उसके बाद आपको सिंपली जो प्लस का आइकन उस पर टैप करना है, एसेट स्टोर पर या फिर गाइस आपको इफेक्ट पर जाना है एंड यहाँ पर स्टाइलिश पर जाकर ग्लो इफेक्ट है उस पर आपको टैप कर देना, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको ग्लो इफेक्ट लग चुका है, अगर गाइस आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हो तो जो कलर का ऑप्शन गाइस आपको उस पर टैप करना है पहले, तो गाइस सिंपली से मैं करूँगा जो कलर का ऑप्शन गाइस पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ से हमारा टेक्स्ट सही दिखेगा एंड उसके बाद आपको कलर के ऑप्शन उस पर जाना है एंड सेचुरेशन को पहले बढ़ाना है एंड उसके बाद आपको सिंपली करने के यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करना है। तो गाइस लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी एक कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करने यहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग करना है, तो इसे हम थोड़ा सा कम करेंगे एंड इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लेते हैं एंड इस आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड इस यहाँ पर आपका ग्लो बहुत ही सिंपल तरीके से लग चुका है, ठीक है। बस इस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम ज़्यादा करके देख लेना, कलर के हिसाब से इस आपके यहाँ पर शेडिंग करना पड़ता है, इसलिए इसमें आपको यहाँ पर परफेक्टली सेटिंग्स नहीं बताऊंगा बिकॉज हर कलर में आपको अलग अलग सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो आपको इस अगर हम चेंज करेंगे कलर तो इस आप अभी देख लेंगे यहाँ पर जो इफेक्ट वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आपको सिंपली इसे मतलब एक्सपोर्ट कर लेना, जो आपको प्ले का बटन मिला उस पर टैप करके, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली फिर से ओपन कर लेना लाइट मोशन ऐप को, ओपन करने के बाद आपको सिंपली उसी वीडियो को आपके यहाँ पर ऐड कर लेना। तो गाइस आपको वीडियो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्लस का आइकन मिल रहा है पहले आपको स्टार्टिंग पे आना है, ठीक है। स्टार्टिंग पे आने के बाद जो प्लस का आइकन मिल रहा है उस पर गाइस आपको टैप कर देना, तो इसमें स्टार्टिंग पर तो यहाँ पर एंड प्लस के आइकन पर जाऊँगा एंड जो हमने वीडियो यहाँ पर ऐड करना है तो कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसमें वीडियो को ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। वीडियो ऐड करने के बाद आपको जिस तरीके से मिल जाएगा, अब आपको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है फोटोज़ को। तो गाइस सिंपली मैं करूँगा यहाँ पर जो फोटो गाइस वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एंड इसी से मैं फिल स्क्रीन कर लेता हूँ। फिल स्क्रीन करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं ट्रिम करूँगा एंड इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा फोटो ऐड नहीं करने वाला बिकॉज इस यहाँ पर जो इफेक्ट लगाने वाले वो इस यहाँ दो या तीन फोटो पर हम बता देंगे, बाकी जैसे सभी फोटो पर सेम इफेक्ट लगाने वाले जिसकी वजह से हम यहाँ पर सारी फोटो ऐड नहीं करने वाले हैं। तो कुछ तरीके से मैं इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सर आपको सिंपली करने के इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली सेक इफेक्ट प्रीसेट का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं आपको प्रोजेक्ट पर और ये जो हमने सेक इफेक्ट हमने जो इसे अभी डाउनलोड किया था इंपोर्ट किया था उसे हम ले जाते हैं एंड इसमें फोटो पर टैप करेंगे। आप यहाँ से कॉपी लेयर कर सकते हो एंड लेयर को पेस्ट कर सकते हो, फिर इफेक्ट पर जाके थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना एंड आ जाना है सिंपली से बैक। बैक आने के बाद आपको सिंपली करना है सर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट है, सॉरी मतलब मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से एंड जो बीट मार्क प्रोसेड है उस पर जाऊँगा एंड जब हमने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट किया ना कि हम फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं इफेक्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सिंपली जैसे इफेक्ट पर जाएंगे एंड पेस्ट इफेक्ट कर देते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करके, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर सेम सिस्टम है मतलब सेम स्टेप है एंड गाइस मैं यहाँ पर स्टेप स्टेप अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑल इफेक्ट गाइस सेम फोटो पर अप्लाई करना, जितने भी आप फोटो ऐड करेंगे सभी में गाइस यही इफेक्ट अप्लाई करना। तो गाइस मैं यहाँ पर ज़्यादा फोटो ऐड नहीं किया था, ठीक है। अब गाइस आपको सिंपली करने के एक्सपोर्ट कर लेना एंड एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपको सिंपली न्यू एप्लीकेशन पर मतलब न्यू प्रोजेक्ट पर जाना एंड इस कस्टम पर जाना, रेशियो को सेलेक्ट कर लेना एंड वही सेम स्टेप गाइस आपको 1080 लिख लेना जो गाइस सर मैंने आपको पहले ही बता दिया एंड 2340 यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 2340 एंड मैं डन कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको सिंपली न्यू पर जाना है, मीडिया पर जाना है एंड वीडियो पर जाना है एंड उसके बाद आपको सिंपली से करने के चले जाना गाइस आपको लाइट मोशन पे एंड जहाँ पर गाइस आपने वीडियो को रखा हुआ गाइस सर एक्सपोर्ट करके उसे गाइस आपको सिंपली से ऐड कर लेना है। और गाइस सर ऐड करने के बाद आपको सिंपली से करने के सर यहाँ पर हम देख लेते हैं फोटो गाइस हमारी दिखने लगी है। अब आपको सिंपली करने जो प्लस का आइकन मिला नीचे गाइस आपको उस पर टैप करना है, एसेट स्टोर पर जाना है, नीचे गाइस आपको रैन ड्रॉप मिलेगा उस पर आपको टैप करना है एंड आपको सिंपली करने यहाँ पर जो थ्री लेयर के बीच में जैसे लेयर उस पर टैप करना है एंड यहाँ पर टिक मार्क लगा देना, ठीक है। एंड आपको सिंपली जो ब्लर है उसे गाइस आपको जीरो कर देना है। उसके बाद आपका स्टेटस पर गाइस वाटर गाइस आपको यहाँ पर अप्लाई हो चुका है एंड ये काफ़ी ऑसम लगेगा देखने में, ठीक है। तो कुछ तरीके से आप भी अपने स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ऐसे हमेशा सपोर्ट दिखाना।